हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल विच इज़ लर्निंग इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रा का, जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बेसिक स्पेक्ट्रम के बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड फुंड, सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रम। व्हेन व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम पासिंग इट थ्रू ए प्रिज्म सेपरेट्स इट। तो जब हम व्हाइट लाइट को पास कराते हैं किसी प्रिज्म से, तो वो एक स्पेक्ट्रम बनाता है जिसे VIBZYOR से डिनोट करते हैं, यानी वायलेट से लेकर रेड तक। इफ द लाइट इज़ नॉट वाइट, हमने देखा वाइट के केस में जो स्पेक्ट्रम बनता है वो वायलेट टू रेड। जब हम वाइट लाइट से प्रिज्म के ऊपर गिराते हैं तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो वायलेट टू रेड। लेकिन अगर लाइट वाइट ना हो, इफ़ द लाइट इज़ नॉट वाइट, by heating a gas or with electricity we can get it to give off color। तो हम गैस को हीट करके या इलेक्ट्रिसिटी पास करके लाइट का कलर हम ऑफ कर सकते हैं, लेकिन वो वाइट नहीं होगा, कलरलेस हो जाएगा। देन जब हम उसको पास करेंगे प्रिज्म से तो उसका स्पेक्ट्रम कुछ डिफरेंट आता है, वो 7 कलर का स्पेक्ट्रम नहीं आता जैसा कि वाइट लाइट में प्रिज्म के साथ आता है, बल्कि वो कुछ इस तरह का आता है, लाइन जैसा, इस तरह का लाइन टाइप। तो 7 कलर का स्पेक्ट्रम पाने के लिए लाइट हमारी वाइट लाइट होनी चाहिए। दिस इज वाइट लाइट। इसे जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है कॉन्टिन्यूअस टाइप का स्पेक्ट्रम। और अगर हाइड्रोजन गैस को हम प्रिज्म से पास कराएंगे तो हमें 2 तरीके का स्पेक्ट्रम मिलता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम दोनों को मिलाएंगे तो हमें यह कॉन्टिन्यूस मिलता है। तो जहाँ जहाँ हमें इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है वहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं मिलता। ये लाइन देख रहे हैं, जहाँ जहाँ इसमें इमिशन मिला है वहाँ एब्जॉर्प्शन में स्पेक्ट्रम नहीं मिलता। यहाँ ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन के साथ साथ इमिशन स्पेक्ट्रम भी मिलता है। हम जानते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तब मिलता है जब लाइट जब एनर्जी गेन करता है और हायर स्टेट में जाता है, तो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है। और जब वापस आता है हायर स्टेट टू ग्राउंड स्टेट तो हमें इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, फिगर प्रिंट ऑफ एन एटम। ईच एलिमेंट गिव्स ऑफ इट्स ओन करेक्टरिस्टिक कलर। तो हर एलिमेंट अपना एक पर्टिकुलर कलर रखता है और इसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो कौन सा एटम है। जैसा कि ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन और ये इमिशन। उसी तरह कार्बन का एब्जॉर्प्शन और कार्बन का इमिशन, उसी तरह ऑक्सीजन एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन और इमिशन। तो हम इनको देख के भी बता सकते हैं, अगर हमें स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का मिलता है तो हम कहेंगे कि वो ऑक्सीजन एटम है, या इस तरह का मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कार्बन है और ये हाइड्रोजन। तो आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं स्पेक्ट्रम को देख के, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। दीज आर कॉल्ड द लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा, द लाइट इज इमिटेड गिवन ऑफ। तो जहाँ जहाँ लाइट इमिट होती है वो सारा गिवन, वो ऑफ होता है। जहाँ एब्जॉर्ब होती है वो लाइट दिखाई देती है। जैसे यहाँ जितने जितने ब्लैंक लाइन दिख रही हैं, यहाँ ब्लैंक, ये सब सारी ब्लैंक लाइन, ये सारी इमिटेड स्पेक्ट्रा को शो कर रही हैं। और जितने कलर शो हो रहे हैं, जितने कलर पार्ट हैं, वो सारे के सारे एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस, बोर ने कैलकुलेट किया था एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वेव नंबर
किसी स्पेक्ट्रल इमिशन लाइन के लिए फॉर हाइड्रोजन एटम. दिस इज द वेव नंबर एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर. आर इज द रिडबर्ग कॉन्स्टेंट. 1/N1² माइनस 1/N2² N1 इज द लोअर क्वांटम नंबर, N2 इज अपर या हायर ऑर्डर. द वेव नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स कैन बी कैलकुलेटेड करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ N1 एंड N2. तो वेव नंबर हम डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स की प्राप्त कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ N1 एंड N2. बोर्स एक्सप्लेनेशन फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. When current is passed through hydrogen atom in the discharge tube at low pressure, the molecules of hydrogen breaks into two atoms. मतलब ये है कि अगर हम करंट पास करें किसी हाइड्रोजन गैस से एक डिस्चार्ज ट्यूब में एट लो प्रेशर. लो प्रेशर क्यों? लो प्रेशर इसलिए क्योंकि हाई प्रेशर होगा तो मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, उनमें आपस में भी इंट्रैक्शन हो सकता है. और जब हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल से उस गैस के मॉलिक्यूल के साथ इंट्रैक्शन हो जाएगा, तो जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो एग्जैक्टली हाइड्रोजन गैस का नहीं होगा बल्कि उस एटम का भी हो सकता है जो गैस का है. इसलिए हम यहाँ लो प्रेशर यूज़ करते हैं कि मॉलिक्यूल सेपरेट रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, उनमें आपस में इंट्रैक्शन नहीं होगा. तो जो भी हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो हाइड्रोजन एटम का होगा या हाइड्रोजन गैस का होगा. द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रेक्स इंटू एटम्स. जो हाइड्रोजन गैस है वो ब्रेक हो जाता है दो हाइड्रोजन एटम में अंडर लो प्रेशर. दीज एटम्स एब्जॉर्ब इनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक स्पार्क. ये एक स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिपेंड करता है कि ग्राउंड स्टेट से कितनी एनर्जी उसे मिली है, तो वो या तो यहाँ तक जाएगा और अगर एनर्जी हुआ तो वो और ऊपर तक जाएगा. तो द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर एक्साइटेड टू हाई एनर्जी लेवल्स. द हायर एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स टू विच इलेक्ट्रॉन माइग्रेट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाई द इलेक्ट्रॉन. तो वो डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ इलेक्ट्रॉन के द्वारा. जितनी ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा उतना ऊपर हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. ये इमिशन स्पेक्ट्रा को शो कर रहा है. इमिशन स्पेक्ट्रा. सेम जैसे यहाँ था एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रा. दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बीइंग अनस्टेबल कम बैक टू वन ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल्स. तो कम बैक करेगा तो वो किसी लोअर एनर्जी लेवल में आएगा. वो यहाँ भी आ सकता है या यही और एनर्जी लॉस करके यहाँ भी आ सकता है. तो हमें एक स्पेक्ट्रम यहाँ भी मिलेगा यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे. द इलेक्ट्रॉन मे कम टू द लोवेस्ट एनर्जी लेवल्स. इन दिस वे दे एमिट एनर्जी विच दे हैड एब्जॉर्ब्ड. तो इस प्रोसेस में वो वही एनर्जी यूज रिलीज करते हैं या एमिट करते हैं जो वो एब्जॉर्ब किए रहते हैं. यहाँ पे जो एब्जॉर्ब एनर्जी थी वो इस स्टेट में आया था, उसके बाद इस स्टेट में वापस आते समय वो इसी एनर्जी को रिलीज करते हैं और हमें इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है. लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन. ये एक अरेंजमेंट है जहां हाइड्रोजन गैस को एक ट्यूब में लिया गया है. यहां एक स्लिट जिससे रेडिएंट एनर्जी प्रिज्म के ऊपर पड़ रही है और उसके बाद ये स्पेक्ट्रम मिल रहा है कुछ इस तरह फोटोग्राफिक प्लेट में. ये हमारा फोटोग्राफिक प्लेट है और इस स्पेक्ट्रम की हम स्टडी करते हैं तो हम कुछ ऐसा पाते हैं. 410 नैनोमीटर, 434 नैनोमीटर, 486,
और ये लास्ट लाइन 656 नैनोमीटर, ये लाइन है यहाँ। लास्ट वाला अरेंजमेंट कुछ वैसा ही रहता है जैसे VIVZ YOR का है, विग्यो वाई, और इधर से जैसे जैसे उधर की तरफ जाएंगे वॉलेट की तरफ बढ़ेंगे और वेवलेंथ हमारा घटता जाएगा, इधर की तरफ डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग हम जानते हैं रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज आर प्रोड्यूस्ड डिपेंडिंग अपॉन द एक्साइटेड एंड ग्राउंड एनर्जी लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज हमें मिलती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट से एक्साइटेड है में एक्साइटेड है और किस स्टेट से वो ग्राउंड में आ रहा है या किस स्टेट में आ रहा है। वेव नंबर ऑफ दिस स्पेक्ट्रल लाइन्स कैन बी कैलकुलेटेड बाई बोर इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यह है वेव नंबर, वही जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, 1/λ, दिस इज द आर रेड बार कॉन्स्टेंट, ये हाइड्रोजन के लिए। तो जितने नियरेस्ट ऑर्बिट ये हमने दिखाया है, n=1, n=2, n=3 क्वांटम नंबर, n=3, n=6, n=1। तो जितने हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके ग्राउंड स्टेट में आता है उतने ही कम वेवलेंथ की लाइट हमें मिलती है, कलर मिलता है। और तो हम देख रहे हैं यहाँ 3 से 2 में हमें रेड कलर मिलता है और वेवलेंथ कुछ इस तरह जिसे हम रेड मानते हैं। और 486 नैनोमीटर की वेवलेंथ हमें मिलती है जब हम 4 से 2 में जंप कराते हैं, 434 नैनोमीटर मिलता है जब 5 से इलेक्ट्रॉन जंप करके 2 में आता है। तो कम वेवलेंथ यानी हाई फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी से समझ में आ रहा होगा कि जब हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, और एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब यह है कि वो एब्जॉर्ब ज़्यादा किया होगा, तभी वो हायर स्टेट में गया है, फिर वहाँ से वापस आने में एनर्जी को लॉस करता हुआ वापस आता है एच न्यू के फॉर्म में। लाइमन सीरीज, द स्पेक्ट्रल लाइंस इन लाइमन सीरीज आर एक्सप्लेन्ड बाय कंसीडरिंग दैट द इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक टू n=1 फ्रॉम हायर लेवल्स, बैक टू n=1 फ्रॉम हायर लेवल। तो हायर लेवल से जितने भी लाइन्स n=1 में आती हैं उन सभी लाइनों को हम स्पेक्ट्रल लाइन्स इन लाइमन सीरीज बोलते हैं, और उसे हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसी फार्मूले से, बोर के फार्मूले से। वेव नंबर इक्वल 1.09678 × 10⁷ 1/(1²−1/(n²), वेयर n=2, 2, 3, 4 लाइमन सीरीज के लिए। यहाँ हम करस्पॉन्डली n=2, n=3, n=4 इस तरह से रख के कैलकुलेट कर सकते हैं और अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त कर सकते हैं लाइमन सीरीज के लिए। कुछ इस तरह से लाइमन सीरीज मिलता है हमें अल्ट्रा वायलेट रीजन में, यूवी रीजन में पाई जाती है लाइमन सीरीज। तो फर्स्ट लाइन के लिए हम यूज करते हैं, फर्स्ट लाइन में n=2, सेकेंड लाइन के लिए
एन टू इक्वल 3, थर्ड लाइन के लिए एन टू इक्वल 4 और लिमिटिंग लाइन के लिए एन टू इक्वल इनफाइनाइट। लिमिटिंग से मतलब है कि आखिरी लिमिट। और एन वन तो हमेशा 1 ही होगा। तो दिस इज द दिस इज फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इसी तरह हम प्राप्त कर सकते हैं लाइमन सीरीज का, जो यूवी लाइट में, यूवी रीजन में मिलता है। यूवी रीजन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है लाइमन सीरीज किस रीजन में मिलती है, तो यूवी रीजन में। नेक्स्ट सीरीज है बॉमर सीरीज। इन दिस सीरीज द इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स बैक टू एन इक्वल टू 2। जैसे लाइमन में एन इक्वल टू 1 था, उसी तरह यहाँ एन इक्वल टू 2। बाकी सारे प्रोसेस सेम है, हम वेव नंबर इससे निकाल सकते हैं। एन टू का मान चेंज हो जाएगा, एन टू 3, 4, 5, 6। और सेम उसी तरह से जैसे हमने लाइमन सीरीज में निकाला था, फॉर फर्स्ट लाइन एन टू इक्वल 3, और इसे एच अल्फा लाइन भी बोलते हैं जो यहाँ शो हो रहा है। फॉर सेकेंड लाइन एन टू इक्वल 4, इसे हम एच बीटा लाइन भी बोलते हैं। फॉर थर्ड लाइन एन टू इक्वल 5, लिमिटिंग लाइन फॉर एन टू इक्वल इनफाइनाइट। तो दिस इज फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन एंड सिक्स लाइन फॉर बामर सीरीज। और ये सीरीज प्राप्त होती हैं यूवी रीजन और प्लस नियर विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में पॉइसन सीरीज। इन दिस सीरीज द इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स बैक टू एन इक्वल टू 3। एन इक्वल टू 3 तो सिमिलरली न्यू बार एंड दिस इज इक्वल टू 1/λ 1.09678 इंटू 10^7 एंड एन टू इक्वल दिस। उसी तरीके से जैसे हमने पहली दोनों लाइन में पाई थी, और ये पाया जाता है इंफ्रारेड रीजन में। इंफ्रारेड रीजन में यहाँ फर्स्ट लाइन के लिए एन टू इक्वल 4, सेकेंड लाइन एन टू इक्वल 5 और लिमिटिंग लाइन एन टू इक्वल इनफाइनाइट। तो दिस इज फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, लिमिटिंग लाइन। ब्रैकेट सीरीज तो उसी तरीके से हम पा सकते हैं ब्रैकेट सीरीज। एन टू का मान चेंज हो जाएगा 5, 6, 7 और इलेक्ट्रॉन फॉल्स करेगा एन इक्वल 4 में। फॉर फर्स्ट लाइन एन टू इक्वल 5, फॉर सेकेंड लाइन एन टू इक्वल 6, फॉर लिमिटिंग लाइन एन टू इक्वल इनफाइनाइट। तो दिस इज द फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, लिमिटिंग लाइन एंड सो ऑन। सिमिलरली फून सीरीज। इन दिस सीरीज द इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स बैक टू एन इक्वल टू 5। वेव नंबर सेम प्रोसेस, एन टू इक्वल 6, 7, 8 एंड सो ऑन एंड एन टू इक्वल इनफाइनाइट फॉर लिमिटिंग वैल्यू। जिस तरह से एन टू इक्वल 6, एन टू इक्वल 7 और हमें ये वैल्यू मिलती है वेव नंबर उसके करस्पॉन्डिंग, और ये लिमिटिंग वैल्यू फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, लिमिटिंग लाइन। क्लियर। ये है स्पेक्ट्रम सभी लाइंस का एक साथ। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पॉइसन, ब्रैकेट, फुंड की एनर्जी अलग अलग है। लाइमन सीरीज की एनर्जी सबसे ज़्यादा निगेटिव में, और
बामर पाश्चन और ब्रैकेट तो आई होप कि समझ में आया होगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।